हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आज मैं बहुत ही खूबसूरत जगह आया हूं, स्टेट वार मेमोरियल। ये आपको दिखाऊंगा, आप मेरे पीछे देख रहे हैं। जैसे बहुत खूबसूरत जगह है, बहुत शानदार जगह है, आपका मन भी खुश हो जाएगा, गर्व से सीना चौड़ा हो जाएगा। आए हम देखते हैं, आइए आप मेरे साथ दिखाऊं, बहुत ही खूबसूरत जगह है। आइए आइए, यहाँ एंटर करने के लिए पहले एंट्री फीस है, वहां से हम टिकट लेते हैं पहले सबसे ज्यादा। ये टिकट इन्होंने ले ली पहले ही, यहाँ से टिकट मिले, 20 रुपए की टिकट है, तो हम इनके साथ विजिट करते हैं। आइए, ये देखिए इंडिया का नक्शा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इनके, ये गुलिस्तान हमारा। आइए देखते हैं, ये पाकिस्तान का प्लेन कैसे टंगा बढ़ाया। आइए देखते, ये शहीद स्मारक 1965, 1971 और 1962 के शहीदों के नाम के लिए बनाया गया है, जो हमारे वतन को बचाते हुए, हमारी रक्षा करते हुए शहीद हो गए, ये स्मारक उनकी याद में बनाया है। आइए आगे चलते हैं हम, आइए मेरे साथ, आप भी आइए। आप जब भी धर्मशाला आए तो इस शहीद स्मारक में जरूर आए, अपने बच्चों को भी साथ लगाएं, लेकर आए, क्योंकि वो भी कुछ सीखे देशभक्ति के बारे में, उनके लिए देशभक्ति उनके दिल में जागे, और ये बहुत जरूरी है बच्चों को ऐसी स्मारकें दिखाना। आप यहाँ धर्मशाला आए तो जरूर यहाँ लेकर आए, आप खुद आए अपने बच्चों को लेकर आए। ये देखिए, जो भी हमारे जवान शहीद हुए हैं उन सभी के यहाँ नेम लिखे हुए हैं। देखिए
प्रणाम शहीदों को जिन्होंने हमारे लिए अपने प्राण छोड़ दिए, हमारे लिए शहीद हो गए, हमारी रक्षा के लिए। कट गए सिर हमारे तो कोई गम नहीं, सिर हिमालय का हमने ना झुकने दिया। ये हमारे फौजी भाइयों का कथन है। देखिए ये काफी अच्छा व्यू है, देखिए काफी बच्चे भी यहाँ विजिट करने हैं। फ्लावर जय हिंद। बहुत ही प्यारा फाउंटेन है यहाँ लगाया गया, देखिए आप, बहुत खूबसूरत पार्क है। यहाँ जरूर विजिट कीजिए जब धर्मशाला आए तो, ये बात भूलना मत, शहीदों की स्मारक पर जरूर आए। आप खुद आए, अपने बच्चों को लेकर आए और इस स्मारक के बारे में सभी को बताएं। जय हिंद। यहाँ बहुत ही शानदार लोकेशन है, बहुत सारे खूबसूरत पेड़ लगे हैं, देखिए बहुत ही। आज हमने बहुत ही अच्छी जगह विजिट की है, शहीद स्मारक में, और जैसे मैंने कहा आप भी यहाँ पर आए। जय हिंद, जय हिंद की सेना।